अब मुझे लगता है जिन चीजों से आप कनेक्ट करते हैं उसमें आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस औरतों के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। आई थिंक बहुत वक्त तक हमने वो दर्जा नहीं दिया, वो स्पेस नहीं दी कि हम लड़कियों को बोल सकें कि आप बाहर जाएं, आप काम करें और आप अपने इकोनॉमिक डिसीजंस खुद लें। एंड आई थिंक जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आई थिंक बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज उसके बाद आप अपना हर डिसीजन, whether it pertains to your life, who you're going to get married to, where you want to live, how you want to take care of your health, whether you want to have children, not want to have children, all these decisions, are easier, become easier for a woman to take when she's financially independent. पहले तो ये बहुत बड़ी बात है कि अभी ये दौर बदल चुका है और औरतें पैसे कमा रही है, तो ये एक बहुत बड़ी स्टेप है इन विच हैज़ गॉन फॉरवर्ड, यू नो, क्योंकि एक टाइम था जब हर घर पे आप जाओ तो उनकी मॉम्स हाउस वाइफ होती थी, और अभी आप देखो तो हर एक मॉम वर्किंग मदर है। तो एक्चुअली आई पर्सनली फील कि लोगों को इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जो जानकारी होती है वो उनको एक्चुअली अवेलेबल है बाहर, ये इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप इवन अगर यूट्यूब खोलो, पता नहीं कहीं ना कहीं लोगों ने ऐसे सब ये बना दिया कि औरतों पैसे तो कमा रही है लेकिन जो पति है या जो मर्द है वो आपका पैसा इन्वेस्ट करके दे देंगे। बट एक्चुअली अगर आप कमा सकते हो तो आपके पास उतनी ताकत है कि आप वो भी सीख सकते हो कि आपको इन्वेस्ट कैसे करना है। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज टू आस्क द क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चंस पूछोगे नहीं तो आपको पता नहीं होगा। मोर देन एनीथिंग आपके लिए सिक्योरिटी, एट द एंड ऑफ द डे आप काम करोगे बट कुछ वजह से शायद आपको मे बी कुछ हो जाए, हाथ पैर कुछ समथिंग, एंड यू आर नॉट एबल टू वर्क। फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट एबल टू गो टू वर्क। इफ यू आर नॉट एबल टू वर्क एंड यू आर नॉट एबल टू गो टू वर्क देन योर मनी हैज़ टू गो टू वर्क, एंड दैट विल ओनली हैपन अगर आप मनी को इन्वेस्ट करोगे और देन योर मनी स्टार्ट्स मेकिंग मनी। तो अगर आपको आंसर्स नहीं पता है वो एब्सोल्युटली ठीक है। मुझे तो पहले से ही नहीं पता था, आई टू टॉक नंबर्स एंड इट जस्ट टू गो ओवर माई हेड। माई एंड माई डैड हैव इज वेरी सिमिलर थिंग, माई मदर इज वेरी गुड विद ऑल दिस। पर एक टाइम आ गया वेर आई हैड टू पुट दैट एफर्ट इन एंड आस्क द राइट क्वेश्चंस। And now I, in terms of when I invest in companies and stuff, that's a completely different thing. क्योंकि वो मैं instinct से करती हूँ। But other than that, you should always know where your money is going. Forget everything else. आप किसके लिए क्या कर रहे हैं? अपने आप के लिए ये करना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि आपको अपने उससे आपका self confidence बढ़ जाता है। आप अपने आप में ज़्यादा believe करने लगती है। आपको ऐसा लगने लगता है कि you can conquer the world. And it's very important for a woman to be, forget, not only financially independent in terms of her thinking, her thought, what she does, what she wears, how she feels. Ye independence, I think, every woman should have. 92.